हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ छह ऐसी चीज़ें जिनके बिना आप सिक्स पैक एब्स का जो गोल आपका है वो कभी अचीव नहीं कर पाओगे। अब वो कौन सी चीज़ें हैं वो आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो सबसे पहली जो चीज़ है वो है ईटिंग एनफ लीन प्रोटीन। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं, आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते। अब प्रोटीन का एक फंक्शन तो आपको पता होगा कि प्रोटीन क्या करता है, हमारे जो मसल्स होते हैं इनको बिल्ड करता है। बट क्या आपको ये पता है कि जो प्रोटीन जब हम कंज्यूम करते हैं हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज लगती हैं उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए। तभी बोलते हैं कि जब भी जो एथलीट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो प्रोटीन हर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं ताकि उनकी बॉडी क्या करे, एक्स्ट्रा कैलोरीज उसमें पुट ऑन करे उस प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए, और उससे अल्टीमेटली आपका क्या होगा, वेट लॉस, फैट लॉस। इसलिए बोलते हैं कि आपको एनफ लीन प्रोटीन खाना चाहिए। सो दूसरी चीज़ आती है आपकी ईट पोस्ट वर्कआउट कार्ब्स। अब आप जब कार्बोहाइड्रेट का नाम सुनते हैं या कार्ब्स का नाम सुनते हैं आपके माइंड में एक ही चीज़ आती है, यार कार्ब्स हम खाएंगे तो हम फैट हो जाएंगे, कार्ब्स हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा फैट एज अ फैट। कार्ब्स हमारे बॉडी में स्टोर कब होते हैं फैट, जब हमको यूटिलाइज नहीं करते हैं। आपको पोस्ट वर्कआउट मतलब जब आप एक्सरसाइज कर लेते हो उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़रूर खाने चाहिए। ब्राउन राइस हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया, क्विनोआ हो गया, मतलब ये सब पोस्ट वर्कआउट खाना बहुत ही ज़रूरी है आपके मसल को फ्यूल करने के लिए और आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए। मॉडरेशन में खाना इज़ गुड। आपकी बॉडी वेट गेन कब करती है, जब आप सिंपल कार्ब्स खाते हैं और आप उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। सपोज़ आप पूरा दिन सुबह दोपहर शाम वाइट राइस खाते जा रहे हैं, वाइट ब्रेड खाते जा रहे हैं, बट उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो, यूटिलाइज कर भी रहे हो। मेन डिफरेंस क्या होता है सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में, सिंपल कार्ब्स क्या होता है, हमारे बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, वो इंसुलिन स्पाइक कर देता है। बट एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो हमारे बॉडी में थोड़ा लेट लेट डाइजेस्ट होते हैं और वो एनर्जी एकदम रिलीज नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता हमारे बॉडी में रिलीज करते हैं। तभी आपको पोस्ट वर्कआउट क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को कंज्यूम करना है। सो फ्रेंड्स, जो थर्ड मेन चीज़ आती है जिसके बिना आप सिक्स पैक एब का गोल अचीव नहीं कर सकते हैं वो आता है आपका ईटिंग हेल्दी फैट्स। सो जी हाँ, अगर आप सिक्स पैक एब अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेल्दी फैट्स खाना भी ज़रूरी है। अब हेल्दी फैट्स कौन कौन सी चीज़ों में होते हैं, पीनट बटर, आलमंड बटर, ऑलिव ऑयल, इन सब चीज़ों में हेल्दी फैट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हेल्दी फैट्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं, उसका रोल क्या होता है कि वो हमारे सिक्स पैक एब का जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं। जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो हमारे इंसुलिन लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक नहीं होती, उससे हमारे बॉडी में जितनी भी कैलोरीज हम ले रहे हैं, एक्स्ट्रा जो ले रहे हैं वो हमारे बॉडी में एज अ फैट स्टोर नहीं होती। सो इसी के लिए आपको हेल्दी फैट्स खाना भी बहुत ज़रूरी है। और जो फोर्थ स्टेप आता है आपका वो आता है फोकस ऑन योर डाइट। आपको अपनी ओवरऑल डाइट पे फोकस करना है कि आपको एक दिन में कितना प्रोटीन चाहिए, एक दिन में कितने कार्ब्स चाहिए, एक दिन में कितना फैट चाहिए, कितने फाइबर चाहिए, कितना विटामिन मिनरल्स चाहिए। अगर आप इन सब पे फोकस कर रहे हैं तो आपके एम को, गोल को, सिक्स पैक ऐप के कोई भी नहीं रोक सकता। बट आपको इन चीज़ों को दिमाग में लेके चलना है कि आपका जितना बॉडी वेट है पर केजी बॉडी वेट आपको 2 ग्राम प्रोटीन लेना ही लेना है पूरे दिन में, और उसके बाद 1 ग्राम कार्ब पर बॉडी वेट लेना ही लेना है, और फैट आपको लेना है 0.5 ग्राम पर बॉडी वेट। इन वैल्यूज़ को हमेशा याद में रखना, मतलब फोकस ऑन योर डाइट। आपको ओवरऑल डाइट में आपको देखना है कि क्या कितनी कैलोरीज आप ले सकते हो, कितनी सफिशिएंट। बट एक चीज़ याद रखनी है, आपको सिक्स पैक ऐप का गोल अचीव करने के लिए कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा। कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, मतलब आप जितनी नॉर्मल कैलोरीज खाते हैं उससे आपको 400 to 500 कैलोरीज कम कंज्यूम करनी होंगी। जितना बॉडी फैट परसेंटेज आपके बॉडी की कम होगी उतने ही आपके एब्स जो होंगे वो विजिबल होंगे। और जो फिफ्थ स्टेप आता है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जब भी हम एब्स का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में क्या आता है, कार्डियो करेंगे, क्रंचेस करेंगे, क्रंचेस लगाओ, क्रंचेस लगाओ। क्रंचेस से क्या ही हो जाएगा, सिर्फ क्रंचेस लगाने से कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको अपनी बॉडी से ज़्यादा आउटपुट चाहिए, आपको जल्दी सिक्स पैक एब्स बनाने हैं, तो आपको क्या करना है,
आपको कार्डियो तो करनी ही करनी है, बट आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें कि आपका आता है बेंच प्रेस हो गया, स्क्वाट्स हो गए, शोल्डर प्रेस हो गया, इन सब जो डेडलिफ्ट हो गया, इन सब कंपाउंड एक्सरसाइजेस को आपको अपने वर्कआउट में इंक्लूड करना है। तभी जाके आपकी बॉडी क्या करती है, ज़्यादा कैलरीज बर्न करती है और उसी से आपकी जो कार्डियो है वो भी इफ़ेक्टिव होगी। सो ये नहीं करना आपको कि आपको सिर्फ जिम में जा रहे हो, सिर्फ कार्डियो कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी साथ में इंक्लूड करनी है, तभी आपके जो ऐप का गोल है वो कंप्लीट हो पाएगा। और जो लास्ट मेन स्टेप आता है जिसके बिना आप सिक्स पैक ऐप अचीव नहीं कर पाओगे, वो है यूज स्मार्टर कार्डियो मेथड्स। स्मार्टर कार्डियो मेथड्स का मतलब क्या हुआ, अब कार्डियो तो सभी रोज़ करते हैं, आप किसी को भी देखोगे ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, बाइसाइकिल पे भाग रहे हैं, क्रंचेस लगा रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, बट आपको हार्डवर्क तो करना है बट एक स्मार्टर वे में करना है। हार्डवर्क सभी करते हैं बट जो स्मार्ट वर्क करता है ना उसके कुछ कहने ही अलग होते हैं। अब स्मार्ट वर्क आपको कैसे करना है, अब कार्डियो करोगे, क्रंचेस करोगे, उसके बाद बाइसाइकिल क्रंचेस करोगे, कोई भी कार्डियो करोगे, कोई भी वर्कआउट करोगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी है। कार्डियो में आपको क्या करना है, पहले 30 सेकंड्स आपको ट्रेडमिल पे इतनी तेज़ भागना है कि आपके बॉडी एक बिल्कुल हार्ट बीट राइज हो जाए, उसके बाद आपको जाके क्रंचेस लगाने हैं, मतलब इनको सेट्स में रिपीट करना है। इससे क्या होगा, जितनी नॉर्मल कैलोरीज आप बर्न करते थे उसे डबल ट्रिपल कैलोरीज आप बर्न करेंगे। आपको क्या करना है, ट्रेडमिल पे जाना है 30 सेकंड्स, आपको जितनी तेज़ भाग सकते हो उतनी तेज़ भागना है, उसके बाद आपको अपनी कार्डियो स्टार्ट कर देनी है, फिर आपको ट्रेडमिल पे जाना है, तेज़ भागना है, फिर कार्डियो स्टार्ट कर देनी है। ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है, आपकी जो हार्ट बीट होती है, हार्ट रेट होता है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो राइज करती है। जब ब्लड सर्कुलेशन राइज करेगी आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिस जहाँ जहाँ पे फैट डिपॉजिट होगा वो एरियाज टारगेट होंगे और नॉर्मली आप अपना जो फैट, आपका जो सिक्स पैक ऐप का गोल है वो अचीव कर पाओगे। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताए 6 मेथड जिनके बिना आप सिक्स पैक ऐप अचीव नहीं कर पाओगे। सो अप्लाई ज़रूर करना इन मेथड्स को अगर आप सिक्स पैक ऐप्स की जो एक्सरसाइज है, जो एम है वो अचीव करना चाहते हो। सो आई होप आपको इस वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, अगर मिल गई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब तक वो प्रेस नहीं करोगे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।